周りの山、この高校だってはっきり覚えてる。ये क्या कार्टून देख रहा है? सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपको टॉप 5 बेस्ट एनिमे फॉर बिगिनर्स जो मैंने देखे है वो बताऊंगा. सो लेट्स स्टार्ट. तो हमारा 5th एनिमे है रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ बनिंगल सेनपाई. इट इज एन सुपरनैचुरल साइकोलॉजिकल ड्रामा एनिमे नोन इन जापान एज सेइशू बुटा यारो. इज इन जापानीज लाइट नॉवेल सीरीज Written by Hajime Kamashida with IMDb of 8.2. 13 episodes ran from October 2018 to December 2018. इसका total 11 volumes है, जिसमें से the first 5 volumes were adapted as television series with 13 episodes and volume 6 and 7 combined in a movie called Rascal Does Not Dream of a Dreaming Girl, which was premiered in June 2019. The main character Sakuta's life unexpectedly takes turn. जब वो एक टीनेज एक्ट्रेस मेई साकुराजीमा जो एक बनी गर्ल के ड्रेस में होती है वो एक लाइब्रेरी में घूम रही है जिसे वह कोई नहीं नोटिस करता. मेई सरप्राइज हो जाती है कि सिर्फ साकुता ही उसे देख सकता है. अदर पीपल अनएबल टू सी हर इवन जबकि वो सिंपल ड्रेस में हो या सेलिब्रेटेड लाइफ से दूर रहने की कोशिश करती है. इस फिनोमेना को एडोलेसेंट सिंड्रोम कहा जाता है. सो साकुता डिसाइड करता है टू सॉल्व दिस मिस्ट्री व्हाइल कंटिन्यूइंग टू गेट क्लोजर टू मे एंड मीटिंग अदर गर्ल्स जो एडोलेसेंट सिंड्रोम से सफर करती हो. तो हमारा 4th एनिमे है इरेस्ट. Erased is a mystery, suspense, thriller, science fiction manga series है जिसे जापानीज में बोकु दाके गा इनाई माची, short बोकु माची कहते हैं, means where only I am missing, जिसे लिखा है के सेनबे ने, जिसके सिर्फ 12 episodes है. वो रिलीज हुए थे from January to March 2016 और उसके IMDb है 8.5. The story follows Satoru Fujinuma, a young man living in a Chiba city, Japan, who possesses an ability जिसे revival कहते हैं, जो उसे back in time भेज देती है. A moment before a life-threatening incident, जो उसे वो incident दोबारा ना हो, उसे prevent करने में help करती है. जब उसकी mother का murder हो जाता है by an unknown attacker in his own home, सातोरूस रिवाइवल एबिलिटी उसे 18 साल पीछे भेज देती है, जो सातोरू को अपॉर्चुनिटी देती है उसकी मदर को बचाने के लिए और किडनैपिंग को प्रिवेंट करने में, जिसमें उसकी 3 चाइल्डहुड फ्रेंड्स मारी जाती है. द थर्ड एनिमे इज डेथ नॉट. डेथ नॉट इज ए मिस्ट्री साइकोलॉजिकल सुपरनेचुरल थ्रिलर जापानीज मांगा सीरीज है जिसे लिखा है Sugumi Ohba ने with IMDb 9 with 37 episodes जो ran from October 2006 to June 2007. तो स्टोरी फॉलो करती है लाइट यागामी को जो मेन टीन कैरेक्टर है जो बहुत ही जीनियस होता है who discovers a mysterious notebook. उसका नाम होता है Death Note जो बिलोंग करती है शिनिगामी रिक को. बुक यूजर को ऐसी सुपरनेचुरल एबिलिटी देता है टू किल एनीवन जिसका भी नाम यूजर ने बुक के पेज पर लिखा होता है. तो पूरी सीरीज सेंटर है अराउंड लाइट यागामी पर हु अटेम्प्ट्स टू किल पीपल जो क्राइम करते हैं टू क्रिएट क्राइम फ्री सोसाइटी यूजिंग गॉड लाइक अ विजिलेंट नेम्ड कीरा जो खुद को कीरा नाम देता है. कीरा मीन्स किलर इन जापानीज. तो कीरा को पकड़ने के लिए
एक एलिट जापानीज पुलिस टास्क फोर्स होती है जिसे लीड करता है एंड मिस्टीरियस डिटेक्टिव एल टू कैच कीरा। तो द सेकेंड एनीमे इज अटैक ऑन टाइटंस। मैंने इसे अभी ही देखा है और क्या बोलूँ, एकदम कड़क एनीमे है जो आपको हर पल क्या होगा आगे और सोचने पर मजबूर करता रहता है। AOT इज अ जापानीज डार्क फैंटेसी एनिमे टेलीविजन सीरीज है जो एडॉप्टेड हुई है फ्रॉम मांगा शिंगेकी नो क्योजिन बाय हिजामी इशियामा जो प्रीमियर हुई थी अप्रैल 2013 में, जिसके IMDb 9 है और जिसके 75 एपिसोड्स है अब तक विथ 4 सीजन्स, जिसका फाइनल सीजन का सेकेंड पार्ट 2022 में रिलीज होगा। स्टोरी शुरू होती है ऐसे वर्ल्ड में जहाँ ह्यूमैनिटी 3 दीवारों में डिवाइड है। तो द बाहर वाली वॉल है जिसे वॉल माया कहते हैं, द बीच वाली वॉल है उसे वॉल रोज कहते हैं, और जो अंदर वाला दीवार है उसे वॉल सीना कहते हैं, जो उन्हें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम अटैक बाय टाइटन से जो जाइगेंटिक ह्यूमनॉइड है जो इंसानों को खाते हैं। इट फॉलोज द एडवेंचर ऑफ एरिन येगर और उसके फ्रेंड्स मिकासा एंड आर्मिन। इन सब के लाइफ चेंज हो जाती है जब एक कोलोसल टाइटन वॉल मारिया पर उनके होम टाउन शिगंगशिना पर हमला कर देता है। तो रिवेंज और टाइटन को मारने के लिए एरिन और उसके फ्रेंड्स ज्वाइन करते हैं स्काउट रेजिमेंट को जो अलाइट ग्रुप है ऑफ सोल्जर्स हु फाइट अगेंस्ट द टाइटंस। द फर्स्ट एनीमे इज नारुतो। नारुतो इज माय फर्स्ट एंड ऑल टाइम फेवरेट एनीमे। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है, आप उसे देख सकते हैं या ऊपर कार्ड को क्लिक करके। नारुतो इज एडवेंचर फैंटेसी कॉमेडी मार्शल आर्ट्स जापानीज मांगा सीरीज है जिसे लिखा है मशाशी किशिमोटो ने। इसके 720 एपिसोड्स है। Yes, 720 एपिसोड्स। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ नारुतो उज़ुमाकी, अ यंग निंजा जो रिकॉग्निशन चाहता है सबसे, उसके दोस्तों से और पूरे विलेजर्स से। इट्स ड्रीम इज टू पिक अप होकागे, द लीडर ऑफ हिज विलेज। स्टोरी दो पार्ट्स में डिवाइड है। द फर्स्ट इज नारुतो जो उसके प्री टीन ईयर्स पर बेस्ड है, जिसका IMDb है 8.3 आउट ऑफ 10। और द सेकेंड इज सेट इन हिज टीन्स नारुतो शिपुदिन, जिसका IMDb है 8.6 आउट ऑफ 10। द मांगा वॉज एडप्टेड इन टू एन एनिमे टेलीविजन सीरीज नारुतो जिसके 220 एपिसोड्स है जो रैन फ्रॉम 2002 टू 2007। नारुतो शिपुदिन जो नारुतो का सिक्वल है जो 2.5 ईयर्स लेटर की स्टोरी कहता है आफ्टर नारुतो, जिसके 500 एपिसोड्स है और जो रैन हुई थी फ्रॉम 2007 टू 2017। तो ये थे द टॉप 5 बेस्ट रिकमेंडेशन एनिमे फॉर बिगिनर्स। ये तो सिर्फ पार्ट 1 था, अभी तो बहुत एनिमे बाकी है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो कमेंट में बताओ व्हाट्स योर फेवरेट एनिमे, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। अगर आप नए हो चैनल पर, सो आई मेक शॉर्ट फिल्म्स, स्केचेस, व्लॉग्स, यू कैन चेक आउट माय चैनल और माय प्लेलिस्ट। अगर आप पुराने हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब। एंड सो फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस आउट।